बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम मौज़ी सामीन, आप देख रहे हैं सी एच एली टेक यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त है कि अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली मालूमाती वीडियो आप तक बरवक्त पहुँच सके। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे 5 ऐसे शुअरा के बारे में जिन्होंने ट्रेन के नीचे आकर खुदकुशी कर ली और ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। सबसे पहले जिक्र करते हैं सरवत हुसैन का। सरवत हुसैन 9 नवंबर 1949 को कराची में पैदा हुए और इन्होंने 9 सितंबर 1996 को कराची में ट्रेन के नीचे आकर जान दे दी। इनका आखिरी शेर मौत के दरिंदे में एक कशिश तो है सरवत, लोग कुछ भी कहते हों खुदकुशी के बारे में। शकीब जलाली 1 अक्टूबर 1934 को अलीगढ़ ब्रिटिश राज में पैदा हुए, वफात 12 नवंबर 1966 को सरगोधा में ट्रेन के नीचे आकर हुई। मौत के बाद इनकी जेब से ये शेर मिला, तूने कहा था ना मैं कश्ती पे बोझ हूँ, आंखों को अब ना ढांप मुझे डूबते भी देख। कमर बशीर, शकीब जलाली और आनस मोइन से बेहद मुतासिर थे, 6 जून 1991 में ट्रेन के सामने आकर खुदकुशी कर ली। इस वक्त इनकी उम्र सिर्फ 20 बरस थी और ये खानीवाल के रिहायशी थे। इनकी ज़िंदगी का आखिरी शेर, मौत की बाहों में ही जाकर कमर जिंदगी के राज को समझूंगा मैं। सारा शगुफ्ता, पैदाइश 31 अक्टूबर 1954 को गुजरावाला में हुई, वफात 4 जून 1984 को उन्होंने कराची में ट्रेन के नीचे आकर जान दे दी। इनका आखिरी शेर, तुझे जब भी कोई दुख दे उसका नाम बेटी रखना। आनस मोइन 29 नवंबर 1960 को लाहौर में पैदा हुए, उन्होंने 5 फरवरी 1985 को मुल्तान में ट्रेन के नीचे आकर खुदकुशी कर ली। और इनका आखिरी शेर, इसके पीछे छुपी हैं कितनी दीवारें, जिस्म की ये दीवार गिरा कर देखूँगा। उम्मीद करते हैं हमारी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।